दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हमारी चैनल के 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, उसकी खुशी में मैंने एक गिव अवे रखा है। उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में या तो फिर आई कार्ड में मिल जाएगी, तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद वो देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बहुत यूनिक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग पता करना चाहते हैं कि सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, या तो फिर दूसरे तरीके से कहे तो पार्टनर इग्नोर करे तो क्या करे, या तो फिर कौन से टिप्स है। दोस्तों, हर रिश्ते में अनबन होती है, कभी खुशी कभी गम का माहौल रहता है, पर आपका पार्टनर आपको इन दिनों इग्नोर करने लगा है, आपकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करता, आपसे बातें छुपाता है या आपसे बहुत कम बात करता है। अगर ऐसा है तो यह आपके रिश्ते के लिए अलार्म है, एक सिग्नल है। आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपने रिश्ते को संवारने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जिनके बदौलत आप अपने रिश्ते और ज़िंदगी दोनों को संवार जाएंगे। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर जो टिप है वो है ट्राई टू टॉकिंग। बहुत ही सिंपल और कॉमन बात है, इसीलिए मैंने चौथे नंबर पर रखी है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिंपल बात आप हर रोज़ करते हैं? बातचीत करने से हर मुश्किल का हल निकलता है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। इसीलिए अगर आपके साथी ने बातचीत कम कर दी है तो आप कदम आगे बढ़ाते हुए प्यार से बात करें, उस पर भरोसा दिखाएं, क्योंकि रिश्ते की मजबूती भरोसे और प्यार पर ही टिकी होती है। यह बात आपको समझ लेनी चाहिए कि आप दोनों के बीच कभी कम्युनिकेशन गैप ना आए, कॉल करें या चैट करें, कुछ भी करें, क्वालिटी टाइम बिताए, कुछ भी करें, बातों बातों में अपने साथी के लिए अपना प्यार जाहिर करें, उन्हें जताए कि आपको उनकी फिक्र है। और दोस्तों, कुछ सवाल करें, कुछ बातें करें और बातों बातों में जाने कि वो इग्नोर क्यों कर रहा था, या तो फिर उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। बातों बातों में ही कई बातें निकल आएगी। तो दोस्तों, ये खास ध्यान रखें, बातें हर रोज़ होनी चाहिए, चैटिंग से थ्रू, कॉल के थ्रू, कैसे भी, लेकिन बातें होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जो टिप है वो है फाइंड द रीजंस। उन कारणों को तलाशना जिसकी बदौलत वो आपको इग्नोर कर रहे थे या तो फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। साथी अगर इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे कोई तो कारण होता ही है। वो कारण जानने की कोशिश करनी है आपको, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप दोनों के बीच शक को घर न करने दे। दोस्तों, डाउट अगर एक बार आ गया दोनों के संबंध के बीच तो ये संबंध को ख़त्म करके ही जाएगा, क्योंकि इससे कड़वाहट और बढ़ती है। पार्टनर पर भरोसा करें, उसे दिखाएं कि आप भी भरोसा कर रहे हैं, इससे वो आपके साथ ज़्यादा सहज रहेंगे। और दोस्तों, ऐसे कारण देखने से आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। दूसरे नंबर पर जो है, जो कई लोग चूक जाते हैं अपने संबंध में ये करने से, और वो है गिव अ स्पेस। दोस्तों, दोनों को, सामने वाले पार्टनर GFO BFO किसी को भी, उन्हें एक स्पेस दे, उन्हें आज़ादी दे, उन्हें जो करना है उसकी छूट दे। दोस्तों, चलो माना कि आप दोनों का रिश्ता पति पत्नी का है, एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बातों में दखल भी रहता है, पर कोई भी रिश्ता हेल्दी तभी बनता है जब उसमें पार्टनर एक दूसरे को स्पेस दे। अगर आपका साथी कुछ देर किसी बात नहीं करना चाहता तो उसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश ना करें, उन्हें अकेले बैठने दे। इससे क्या होगा, अगर आप ज़बरदस्ती बात करेंगे तो उसे खींच बढ़ेगी और उन्हें इरिटेट लगेंगे। उस वक्त बहस करने से स्थितियाँ और बिगड़ सकती है। तो दोस्तों, स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, जब उन्हें मूड अच्छा हो तब उनके साथ बातें करें, आराम से उन्हें बैठने दें। और दोस्तों, नंबर वन पे है जो बहुत ही आपको ध्यान रखना है, वो है नॉट जंप ऑन फाइनल डिसीजन। दोस्तों, आजकल यंगस्टर हमारे जैसे क्या कर रहे हैं, अगर रिश्ते में कुछ भी छोटा मोटा हो जाता है तो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, स्टेटस में उनका बारे में कुछ बोल देंगे या तो फिर ऐसी शायरी रख देंगे जो उन्हें बताने के लिए, जताने के लिए, उनकी फीलिंग्स दिखाने के लिए। वो मान लेते हैं कि संबंध अब ख़त्म हो गया, वो बेवफा हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दोस्तों, वो इग्नोर कर रहे हो, उसके रीजंस को तो पहले देखो। ऐसे तुरंत जंप मत करो रिजल्ट पे, नतीजे पे तुरंत मत पहुंचो। दोस्तों, रिश्ते में उतार चढ़ाव आते ही है, इसीलिए हड़बड़ी में किसी नतीजे पर न पहुंचे, शांत दिमाग से सोचे, सब्र रखे और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें, उसके बाद कोई नतीजे पे पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी चार ऐसी टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है जब सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा हो। अब चलिए दोस्तों, वीडियो के एंडिंग में अप्रिसिएटिंग कॉमेंट्स पिक कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था, ये दो गिफ्ट दो अपने पार्टनर को, हमेशा याद रखेगा। उसमें वाहिद खान ने आप ग्रेट है सर, लव ट्रिप का लव गुरु हो, ऐसा कमेंट किया है। और उसके बाद शुभम ने ब्रो यू आर नाइस ब्रो, लव यू ब्रो, एंड योर वीडियो इज़ ऑसम ब्रो, दोनों को बहुत बहुत थैंक यू।
तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो को देख रहे सारे जीएफ बीएफ रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।